Hey, you, I saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. ओके दोस्तों, तो ये ऑटो बेस्ट इम्पीरियो का, अब इसको आप सेकंड पार्ट कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि ये जो गाड़ी अब आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की कमेंट सेक्शन में मेरे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि इरफान भाई प्लीज़ आप मस्टैंग कब लेके आओगे। तो भाई आप सबका ड्रीम भी पूरा होने वाला है और अपना भी पूरा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे चैनल पर आ गई है मस्टैंग GT। रेड कलर में कितनी ही बेहतरीन ये गाड़ी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो इस गाड़ी की पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनानी है, और उसके साथ साथ आज तो आप मस्टैंग देख रहे हैं, लेकिन कल आपको देखने को मिलेगी जी वैगन हमारे चैनल पे, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी मर्सिडीज़ मेबैक। तो इन तीनों गाड़ियों की मैंने डिटेल वीडियो बनानी है आपके लिए, ताकि आपको बता सकूं कि क्या क्या फ़ीचर इसमें मिल जाते हैं। तो अपने भाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आप भी बहुत वेट करेंगे, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लग रही है गाड़ी, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। ओके दोस्तों, तो अब भाई लोग, अब जो ड्रीम कार्स मस्टैंग GT है, अब वो खड़ी हुई है। अगर मिस्टर व्यास आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये खड़ी है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में खड़ी है, और संजीव भाई हमारे साथ हैं। तो आज दोबारा से इनका हम वेलकम करेंगे Mycountrymyride में। तो वेलकम टू Mycountrymyride संजीव भाई। थैंक यू। तो संजीव भाई, मस्टैंग GT की हमारे सब्सक्राइबर बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि मस्टैंग GT कि ये गाड़ी है क्या। वैसे इस गाड़ी के बारे में मुझे भी बताओ। ये अमेरिकन स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, 5 लीटर 5000 cc की पेट्रोल इंजन है इसमें। ओके, एंड बहुत अमेजिंग स्पोर्ट्स कार है, ड्राइव वाइज बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है इसके अंदर। ओके, और सबसे अफोर्डेबल भी मैं कहूँगा कि ये स्पोर्ट्स कार है, बिकॉज इसकी सर्विसिंग बहुत नॉमिनल रेट्स पे कंपनी में हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये सबसे अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार है, तो कहने का मतलब है कि अगर स्पोर्ट्स कार अगर कोई बंदा खरीदने जा रहा है तो सबसे सस्ती यही आएगी? नहीं नहीं, अगर मेंटेनेंस वाइज अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसके बाद मेंटेनेंस भी होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने नई गाड़ी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपए की आपने ले ली, 80-85 लाख रुपए की। 80-85 लाख की नई है गाड़ी, लेकिन इसकी आप सर्विसिंग देखोगे तो एक रेगुलर सर्विस इसकी कंपनी में 14-15 हज़ार बस। जी, सिर्फ 14-15 हज़ार रुपये की इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है। तो मुझे तो अभी ऐसा विश्वास भी नहीं हो रहा कि क्या सच में इस गाड़ी की इतने में सर्विस हो जाती है। तभी ये वर्ल्ड वाइड बहुत दिखती है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, अब अंदर बैठते हैं इस गाड़ी के और अंदर से इसके फीचर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अंदर से ये गाड़ी बहुत ही अमेजिंग है। तो अभी की हमारे पास है, अब संजीव भाई के साथ अंदर बैठते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं गाड़ी है कैसी। आइए अंदर आइए। ओके भाई लोग, तो अब हम लोग बैठ चुके हैं मिस्टर संजीव सूरी के साथ मस्टैंग GT के अंदर। जी। गाड़ी अंदर से तो ये स्पोर्ट्स कार तो है ही, जैसा कि आपने बताया, बट अंदर से कुछ नॉर्मल गाड़ी तो लग नहीं रही है ये। सर देखिए, स्पोर्ट्स कार है, मेन स्पोर्ट्स कार्स में अगर आपने देखी होंगी और भी देखी होंगी, फरारी लैम्बोर्गिनी देखी होंगी। जी जी जी, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है लोगों को कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है एंट्री एग्जिट, ठीक है, बैठने में गाड़ी में। ओके, आपने देखा होगा स्पेस। जी जी जी,
जी जी इसमें मैं देख ली मेरी हाइट 6 फीट से ऊपर है और मैं आराम से देखी कितना स्पेस है आगे मेरे और ये 4 सीटर स्पोर्ट्स कार है हाँ पीछे भी वैसे आई डोंट थिंक कि पीछे कोई 6 फीट का बंदा बैठ पाए 6 फीट का नहीं बैठ पाएगा बच्चे बैठ जाएंगे बच्चे तो बैठ मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं तो आपके लिए परफेक्ट गाड़ी है ये चाहे आप डेली ड्राइविंग भी यूज कर सकते हैं सीरियसली अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डैशबोर्ड को लेकर अगर मिस्टर व्यास इसका डैशबोर्ड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग से तो इसके अंदर क्या क्या वैसे फीचर्स मिल जाते हैं अगर ये मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है ओके गाड़ी के मेजरली ऑल दी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं इंक्लूडिंग दी पेडल शिफ्टर्स ठीक है तो आपने ड्राइव में डाली है तो आपको गाड़ी की गियर कहीं से वैसे भी चेंज नहीं करनी बट इन केस अगर आपको एकदम से गाड़ी का गियर चेंज करना पड़ता है जी जो आप करना चाहते हैं मैनुअली तो आपको सिर्फ पेडल शिफ्टर्स यूज करने हैं ये इसके ये पेडल शिफ्टर हैं ये देखेंगे ये अगर आप देखने की कोशिश करें मिस्टर व्यास अगर आपको दिखाने की कोशिश करें दिस इज पेडल शिफ्ट तो प्लस कम ये पेडल शिफ्टर हैं दोनों हैं इधर माइनस है मतलब गियर डाउन करना है तो उधर गियर अप करना है देखिए प्लस लिखा हुआ यहाँ पे और ये इधर माइनस लिखा हुआ यानी अगर आपको गियर लगाने हैं तो आप प्लस दबाइए और अगर आपको गियर डाउन करने हैं तो आप माइनस दबाइए ओके संजीव भाई अगर हम बात करें इसमें कितने गियर होते होंगे इस गाड़ी के अंदर इसके अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक होता है ओके तो अगर मिस्टर व्यास अगर पास आने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये देखिए ये इसके गियर लीवर है यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे और स्पीडोमीटर्स में अगर आप देखेंगे तो ये 260 है अगर आप स्पीडोमीटर में अगर फोकस करें मिस्टर व्यास अगर आप देखने की कोशिश करें अगर हम बात करें संजीव भाई तो ये गाड़ी कितनी चली जाती होगी सर मैंने कभी लेके नहीं गया बट मेरे ख्याल से ईजिली ये 220 से ऊपर ही जाएगी है। चली जाती है जी 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 220 क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रैक ओरिएंटेड मसल स्पोर्ट्स कार है ये ओके V8 इंजन है इसका ठीक है सिलेंडर वी कॉन्फ़िगरेशन में ओके बहुत पावरफुल गाड़ी है 395 हॉर्स पावर 595 न्यूटन मीटर टॉर्क ओके और इसके मैंने देखा था जो इसके जो शीशे हैं वो भी कुछ मतलब यूनिक ही हैं जैसे फ्रेमलेस दीज आर कॉल्ड फ्रेमलेस डोर्स ओके तो इसमें अगर आप करेंगे आप दरवाजा खोल के देखेंगे तो आपको कोई फ्रेम नहीं दिखेगा ऊपर का ओके ओके ऊपर का कोई फ्रेम नहीं है बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखने की कोशिश करें तो ऊपर कोई भी फ्रेम नहीं है ये देखिए ये फ्रेमलेस है और आप देखिए और अब मैं इसको नीचे करता हूँ अब ये देखिए कितनी ही प्रीमियम इसकी लुक है तो वैसे अगर बात करें जी। मैंने मस्टैंग अभी तक सिर्फ 3 कलर में देखी है जी। येलो ब्लैक एंड रेड इसके अलावा भी क्या कलर आते हैं मस्टैंग के येलो भी आता है ब्लैक रेड और वाइट भी आता है अच्छा वाइट भी आता है ठीक है तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डैशबोर्ड को लेके क्योंकि इसका डैशबोर्ड भी कुछ नॉर्मल डैशबोर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मिस्टर व्यास दिखाने की कोशिश करें तो कितना ही बढ़िया मस्टैंग का लोगो लग रहा है तो थोड़ी सी डैशबोर्ड के बारे में बताइए पूरा लेदर रैप डैशबोर्ड है ओके एंड गिव्स यू ऑल दी कंफर्ट एंड लग्जरी इनसाइड तो ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी ले ली तो आपको लगेगा ये मैंने क्या ले लिया अच्छा अच्छा बट इसके आप बटन्स देखिए अगर आप क्लोज आएंगे टॉगल स्विचेस दे रखे हैं अगर मिस्टर व्यास अगर ढंग से अगर आने की कोशिश करें तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके अंदर आपको मिल जाता है तो संजीव भाई ऑटोमेटिक एसी मिलता है सर इसमें ऑटोमेटिक एसी ओके आपको पूरा टॉगल स्विचेस मिलते हैं ठीक है जिससे ये आपको वैसे देखने में शायद कुछ ना लगे बट ये फास्ट मतलब ट्रैक पे गाड़ी चलाते हुए बहुत इजी रहते हैं आपने सिर्फ क्लिक करा और ये आपका बटन ने काम कर दिया ओके तो इसके अंदर कोई मोड भी होते हैं गाड़ी के अंदर नहीं इसमें एक ट्रैक मोड एक ट्रैक्शन ऑफ का मोड होता है बस यही होते हैं वरना तो नॉर्मली ये अच्छी गाड़ी मतलब बहुत पावरफुल है बहुत पावरफुल गाड़ी है जी अगर इसको अगर किसी स्पोर्ट्स कार से अगर कंपेयर करें तो क्या कोई गाड़ी है जिससे इसका कंपैरिजन हो सकता है सर अनकंपेरेबल है हर स्पोर्ट्स कार के अपने फीचर्स अच्छा। फरारी की अगर हम बात करें तो वो फरारी है उसको लैम्बोर्गिनी से नहीं कंपेयर कर सकते लैम्बोर्गिनी अलग है ऐसे ही मस्टैंग की भी एक अलग फैन फॉलोइंग है सही बात है मस्टैंग की बल्कि सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है अगर आप सोचे तो मस्टैंग की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है लेकिन अब ये देखा है कि मैंने इंडिया में मस्टैंग बहुत दिख रही है तो अब थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये गाड़ी सेल पे है जी ये अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो ये गाड़ी क्या मॉडल है वैसे 2017 मॉडल है ठीक है तो अब थोड़ी सी बात और बताइए कि ये गाड़ी वैसे कितने ही 26,000 प्लस है गाड़ी और यहाँ पे अब चेक करते हैं इसका प्राइस यहाँ पे क्या रखा गया 54,75,000 की आपको ये गाड़ी मिल जाती है और बिल्कुल प्रीमियम लुक है गाड़ी का और मतलब बिल्कुल अनटच गाड़ी है और ये गाड़ी सिंगल ओनर है और गाड़ी भी सिंगल ओनर है और अब लास्ट में वैसे मेरे सब्सक्राइबर एक चीज़ की बहुत डिमांड करते हैं वो कहते हैं आप इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ी दिखाते हैं बट एक चीज़ हमें ज़रूर बताएं कि ऐसी गाड़ी एवरेज क्या देती होगी सर देखिए V8 इंजन है पेट्रोल है स्पोर्ट्स कार है
तो ये सब मिलके कभी भी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छी गाड़ी है ये, आपको आराम से इजीली एवरेज देगी 7 to 8 इन सिटी, इन सिटी थोड़ी ज्यादा देगी 10 दे देगी आप मान सकते हैं, तो चलाने पे भी डिपेंड करता है। सही बात है। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपने बताई है काफी, बहुत ही कम है, मतलब मैं तो सुन के बड़ा शौक हूँ और बड़ा खुश भी हूँ कि यार इतनी लो मेंटेनेंस अगर गाड़ी है तो लोग खर्च देंगे यार 80 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए, लेकिन गाड़ी बहुत बढ़िया है। इसके अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं, क्या इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है या फिर कुछ नहीं? आफ्टर मार्केट अपग्रेड है। कौन सा एग्जॉस्ट है? बोरला कंपनी का एग्जॉस्ट है इसके अंदर। तो क्या हम उसका साउंड रिकॉर्ड करेंगे आज? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब एंड में इस वीडियो को क्लोज करने से पहले हम इसका साउंड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो वेट करिए, बाहर चलते हैं। ओके दोस्तों, तो अब जैसा कि संजीव भाई के साथ हमने इसकी डिटेल वीडियो आपके लिए बनाई है, बट अब हम रिकॉर्ड करेंगे इस मस्टैंग जीटी का साउंड। बोरला का इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो अब सुनते हैं कितनी लाउड है ये गाड़ी। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे लगता है कि आप मेरे को सुन पा रहे होंगे, बहुत लाउड है। ये देखिए किस तरीके से इसके अंदर निकल रहा है, देख पा रहे हैं कितनी लाउड है। और कोशिश करते हैं, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही हो। बाय गॉड बहुत लाउड है। अब ओके दोस्तों, तो आज आपके भाई ने आपकी रिक्वेस्ट पे ये मस्टैंग भी आपके लिए भाई, आपका भाई ले गया है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आज मैंने आपको दिखाई है मस्टैंग जीटी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई और इसका साउंड भी हमने रिकॉर्ड किया। क्योंकि यहाँ पे तीन स्पेशल एक ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो मैं आपको सिंगल सिंगल वीडियो देना चाहता था, ताकि आपको पूरी डिटेल बताई। मस्टैंग की डिटेल हमने आपको आज बता दी, अब कल 10 बजे मैं आपको मिलूँगा इस गाड़ी के साथ। दिस इज़ मर्सिडीज जी वैगन AMG एडिशन, और ये गाड़ी की डिटेल हम करेंगे कल एक्सप्लोर। तो कल का वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि कल 10 बजे आएगी ये गाड़ी हमारे चैनल पर आपके लिए, और इस गाड़ी की भी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ कल ठीक 10 बजे, तो कल का वीडियो देखना ज़रूर याद रखें। सो टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंट्री माई राइड, सी ऑफ, बाय बाय फ्रॉम ऑटो बेस्ट इम्पीरियो।